काउंसिल के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ 29 मुकदमा दर्ज हैं। एफआईए में इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का कहना है कोई एक मुकदमा हो तो समझ आती है, यहाँ बहुत से हैं। आईजी के नुमाइंदे भी यहाँ अदालत में हैं। हमें शामिल तफ्तीश होने का कहा गया लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत दी कि बैठ कर तमाम सूरत हाल को देखें और फैसल चौधरी के साथ रबते में रहें। जमान मुगल से मजीद जानते हैं। जी जमान बताएगा, इमरान खान की केसेस की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमर फारूक ने इस केस की समाअत की है और पीटीआई की तरफ से फैसल फरीद चौधरी अदालत में पेश हुए और उन्होंने शिकवा किया कि हमें शामले तफ्तीश होने का तो कहा जाता है लेकिन कोई शख्स फोन ही नहीं उठाता, जिस पर चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन दी और जो स्टेट काउंसिल थे और आईजी के नुमाइंदे भी हैं उनको हदायत की कि आप फैसल फरीद चौधरी के साथ बैठे और इस तमाम तर सूरत हाल को देखें और इनके साथ रबते में रहे। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें 28 मुकदमात हैं। कराची कंपनी थाना है, उसमें आपारा थाना है, सेक्रेटेरिएट थाना है, उसके अलावा गोलड़ा है, तरनौल है, कोसार थाना है, चिहाला है, लोई भेर है और भाराकऊ है, जहां पे 28 मुकदमात हैं जबकि एक मुकदमा एफआईए में फॉरन फंडिंग के हवाले से है जो अदालत में जेर समाप्त है, उसका ट्रायल चल रहा है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि पुलिस ने जो मुकदमात दर्ज किए थे उसमें से अक्सरियत जो है वो जेर समाप्त है और ट्रायल कोर्ट में है और जबकि एक मुकदमा एफआईए का है। जी सही, बहुत शुक्रिया जमान मुगल।